पुनर्वास का? किसी को आईडिया पुनर्वास का मतलब क्या होता है? कोई भी सुनो, हम तो बातचीत करेंगे है ना, खुल करके है ना, सर को हम बाहर भी भेज देंगे तो आप तो बात जो करेंगे। तुम समझते हो ना पुनर्वास का मतलब, मैं क्या बताऊं? पुनर्वास का मतलब तुमको लगता है उसका मतलब? किन्हीं कारणों से मनुष्य या जीवन जंतुओं को अपने स्थान से परिवर्तित करना पड़े तो उसे पुनर्वास कहते हैं। तो ठीक है, और सुनते हैं, ये तो सबका एक जैसा जवाब है। कोई एक उदाहरण दे सकते हैं? देखो ऐसा पुनर्वास होता है, इसको कहते हैं पुनर्वास। कोई एक उदाहरण है? कोई एक उदाहरण, कोई एक एक बच्चा जवाब। जैसे जैसे हम कैसे गांव में रहते हैं, वहाँ बाढ़ आ गई, हम दूसरी जगह जाएंगे, उसे पुनर्वास करते हैं। वेरी गुड, है ना, समय आ गया पुनर्वास। तुम पहले कहाँ रहते थे? भोपुर गांव में रहते थे ना, और अब कहाँ गए तुम? तो किसका पुनर्वास हुआ? हाँ, हमारा मतलब भोपुर गांव का, गांव के लोगों का। कहाँ पुनर्वास हुआ? गंगा भोपुर। तुम कभी भोपुर गए? वहाँ कंडरा गए? नहीं, शादी मिल जाती है। कभी गए गांव में? अभी है वहाँ। हैं, तुम जाते हो कंडरा? कौन रहता है कंडरा में? दादाजी रहते हैं। अच्छा, पुनर्वास के कारण क्या क्या हो सकते? क्यों पुनर्वास करना पड़ता होगा? कोई एक जवाब दे दीजिए बस, क्यों करना पड़ता पुनर्वास? और कोई कारण? एक आपदा हो गई। चलिए एक आपदा, और क्या कारण हो सकता है? आप उधर से ताकि सारे बच्चे मिले तो अलग अलग स्टोर पर हम तो सबको मौका मिलता रहेगा बात करने का। कुछ इधर भी हो सकता है, कुछ उधर भी, तो सबको इंगेज करके रहे। हाँ, और कारण क्या हो सकता है बच्चा? एक तो आपदा आ गई है, और क्या हो सकता है? सोच लो अपने दिमाग से जो कारण तुमको लगता है किस कारण से भी। बच्चों लोगों को, इस गांव वालों को कहाँ पे कहाँ का क्षेत्र बढ़ जाना था? राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र। ये तुम्हारे तुम्हारे इलाके में? हाँ, बिल्कुल सही। तो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बढ़ाना था। हाँ। राजा जी नेशनल पार्क है तुम्हारे बगल में? वही इन्हीं के गांव में ही है राजा जी ने, ये वही उसी के बीच वाले। अच्छा अच्छा, कौन सा जानवर रहता है? हिरन भी रहते हैं। अच्छा, तो दूसरा कारण, एक तो आपदा होगी, दूसरा कि अगर किसी का क्षेत्र बढ़ाना था तो इसलिए भी पुनर्वास करना। और भी कोई कारण हो सकता है क्या? डॉक्टर और यातायात की भी बहुत परेशानी। अच्छा, और यहाँ अब ये परेशानी नहीं है तो वहाँ से शिफ्ट होगे तो यहाँ परेशानी नहीं है। और कोई कारण भी हो सकता है? टीरी से भी किसी का पलायन हुआ? सुना तुमने कोई टीरी का पलायन? टीरी में डैम बना था तो बस लोगों को वेरी गुड, तो डैम बनना था तो ये ऐसा हो जाता है। अच्छा, और कोई कारण हो सकता है? बाढ़ आ गई, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप के कारण है ना, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय उद्यान को फैला रहे तो उससे बढ़ गए, टीरी का जैसे डैम बन रहा तो उसके कारण हो सकता है। और भी कोई कारण हो सकता है जिसे पुनर्वास करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है? आपदा भी आ गई, तो आपदा भूकंप भी आपदा है, बाढ़ भी आपदा है, ये सुविधाएं हैं कम होने पे तो भी। अच्छा सर, एक कोई आदमी इधर से उधर पुनर्वास जब होता है तो क्या अच्छा हो सकता है उसमें? इसमें अच्छी बातें क्या होती हैं? उसके लाभ क्या होते हैं पुनर्वास के? वेरी गुड, वहाँ रोजगार के काम नहीं थे। बहुत बढ़िया, तो यहाँ रोजगार ज्यादा अच्छा हो जाता है, सुविधाएं और अच्छी हो जाती है, डॉक्टर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आना जाना, ये अच्छा हो जाता है। और भी कुछ होता है अच्छा क्या? इसके अलावा आपको और कोई फायदे हुए गांव से यहाँ आके? सरकारी योजनाओं तक पहुँच अच्छी हो जाती है। कोई उदाहरण दे सकते सरकारी योजनाओं की पहुँच का? जैसे पहले हमारी पहुँच नहीं थी, अब पहुँच हो गई, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाओ बताओ। सरकारी योजनाओं के बारे में बताओ, पता है आपको? अच्छा, आप ये बताओ, पुनर्वास जब करते हैं इसका कोई नुकसान भी होता है क्या? यस सर। थोड़ा बताइए क्या नुकसान होता है? वहाँ पे हमारी खूब सारी खेती जैसे कि धान, मंडवा, गेहूँ, चना, मक्का, और अब यहाँ पे धान, गेहूँ, हमारी बहुत बड़ी जमीन थी, बड़ी यहाँ हो गई है, यहाँ कम से कम लोगों की ज़्यादा जमीन है।
सकते हैं, जमीन भी कम होगी, अनाज भी कम होगा, और भी कोई नुकसान हुआ क्या? जंगली जानवरों का सामना, पहले नहीं थे जंगली जानवर वहाँ और यहाँ भी है, तो फिर पुनर्वास करके नुकसान क्या हुआ? तो वहाँ भी थे साथ में, यहाँ भी साथ में थे, और कोई नुकसान हुआ है क्या तुम्हारे? और भी सोच सकते कि कोई दूसरी जगह हो रहा हो, उनको कोई नुकसान होता है क्या? गाँव के क्या फायदे थे उस गाँव के? वो यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, सब अलग अलग गांव के लोग आके बसे वहाँ, सब एक ही घर के थे, एक ही बात, एक ही था, सब लोग एक ही काम से मिलके करते थे, एक काम। वेरी गुड। राइडिंग किसकी है वाली? आप नीचे क्यों आए हो? वो सर हमारे पास लिखने वाली है, ये ड्राइंग वाली है, ये स्केच आर्टिस्ट ये है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। पुनर्वास से पूर्व खाना पीना था, चावल रोटी नया क्या, रोटी सब्जी दाल चावल, बढ़िया। पुनर्वास समस्या है क्या, भूमि के कटाव,